बिहार से ब्रेकिंग न्यूज आ रही है, तेज प्रताप यादव जो कि लालू यादव के बड़े बेटे हैं, और कहा जाता है कि बिहार में जब महागठबंधन की सरकार बनी थी तो इन्हें स्वास्थ्य मंत्रालय दिया गया था, बड़ी जिम्मेवारी मिली थी, पार्टी से लगातार खफा चल रहे हैं, पत्नी को तलाक देने के लिए अर्जी दी हुई है, और कहा जा रहा है कि पार्टी में जो विद्रोह इन्होंने किया है उसकी वजह से पार्टी से इन्हें बाहर करने के लिए लगातार बड़े नेता बोल रहे हैं। अब एक खबर आ रही है कि तेज प्रताप यादव का पटना के इको पार्क के पीछे गाड़ी के एक्सीडेंट हो गया है, मतलब इसके माध्यम से खबर ये आ रही है, जो अभी तक खबर हमारे पास आ पाई है, पुष्टि हो पाई है, वो खबर ये है कि दो गाड़ियां आपस में टकराई हैं, जिसमें एक गाड़ी में तेज प्रताप यादव खुद मौजूद थे और तेज प्रताप यादव को चोट भी लगी है, उन्हें अस्पताल पहुंचाया गया है। बहुत जल्दी न्यूज बिहार के पास तेज प्रताप यादव के अस्पताल की भी तस्वीरें आ जाएंगी, मगर फिलहाल तस्वीरें देख लीजिए कैसे तेज प्रताप यादव की गाड़ी का एक्सीडेंट हुआ है। उस गाड़ी की तस्वीर को आप देख के समझ सकते हैं कितना भयानक एक्सीडेंट हुआ है। इसके बावजूद अभी तक कोई बयान नहीं आया है, अभी तक ना तो राजद की तरफ से इस बात की पुष्टि हुई है, न तेज प्रताप यादव ने अभी तक कुछ कहा है, हालांकि वो अस्पताल में है। और ये खबर आ रही है कि दो गाड़ियां आपस में टकराई है, इन दोनों गाड़ियों की तस्वीरें आप अपने स्क्रीन पर देख सकते हैं। रोड कहाँ जाम कर रहा है, हम लोग अपना काम कर रहे हैं, आप लोग अपना काम, हम लोग अपना काम ना कर रहे हैं, रोड चालू है, गाड़ी जाम हो जाएगा पूरा। गाड़ी कौन चला रहा था, गाड़ी कोई उनका आदमी चला रहा था, नेता कैसे क्या हुआ क्या देखे देखे कि आज विस्फोट हुआ, विस्फोट हुआ, विस्फोट किया, विस्फोट किया, उसके बाद कुछ पता जी निकले अपना गाड़ी से और हाथ गोड़ झाड़ते हुए चले गए, तो उसके बाद भी लोग भी अपना गाड़ी से निकला यहाँ पर। कितने लोग इसमें थे गाड़ी में, चार लोग थे सर, उसमें से दो लोग निकले, वो तो पता जी और बाल उनके साथ पता करते हैं और दोनों इसमें घायल उतना कोई नहीं है, मेरा नाम पोटू है सर, उतना कोई घायल नहीं है सर, हल्का फुल्का सब कुछ होता है।